अस्सलामुअलैकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज के वीडियो में आप लोग के साथ मैं ककोड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी फिश एक के साथ। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने पैन बिठा दिया है, पैन अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें अब हम लहसुन और प्याज की पेस्ट डालेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें ये ककोड़ा डालेंगे। इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये नमक। पानी डालेंगे। ढक के पकाएंगे थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स देखिए, ककोड़ा अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू को पहले फ्राई करके रखा था, तो आलू को अब डालेंगे अभी। पानी अच्छे से सूख गई है, तो अब हम इसमें, तो फ्रेंड्स पानी अच्छे से सूख गई है, इसमें और पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। और ये मछली के अंडे के पकौड़े हैं, इसे अब डालेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से उबल आने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्जी में अच्छे से उबाल आ चुकी है, तो ये देखिए अच्छे से पक गई है सारी चीज़ें, ये सब्जी। तो अब हम गैस की स्विच ऑफ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।